में कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्रियां हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी हैं, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम है कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हर एक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है, मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को ढालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको हरेक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश,
तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे। कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्भाग्य हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं उसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये मेरी पार्टी की फिलॉसफी है। अगर आप रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसको नकार करके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि देश में मैं पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या अपेक्षाएं होती है, केंद्र से क्या तकलीफें होती है, उसको मैंने भली भांति झेला है, समझा भी है, और इसलिए मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमंग उत्साह हो विकास का, उस पर कोई रुकावट पैदा हो। अगर रुकावट हटा सकता हूं और उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूं वो भी मैं करने के लिए, क्योंकि मुझे देश बनाना है। दूसरा, मैं जब गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था, यहां सरकार यूपीए की थी तब भी मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। मैं गुजरात का विकास करूंगा क्यों? क्योंकि मुझे मेरा देश का विकास करना है, हमारे देश में वातावरण बनना चाहिए। और हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना की हर राज्य में, हमने कहा ये राज्य के पैरामीटर के बराबर है, भारत सरकार ने योजना बनाई उसकी मदद की, सभी राज्य आज हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और एस्पिरेशनल ब्लॉक में मिलकर के हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अब आप कोरोना देखिए, मैंने इतनी बार चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की, शायद 20-25 बार, और हर चीज में सब मिलकर के निर्णय करते थे, तो हम साथ मिलकर के चले तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सफल हुए। और मैं पब्लिकली कहता हूं कि कोरोना की लड़ाई में भारत की सफलता का कारण मैं सभी राज्यों का भी उतना ही योगदान है, मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि देश को आगे ले जाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, हमारे यहां स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए विकास की, तब जाकर के। अब देखिए G20, मैं G20 दिल्ली में कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, हिंदुस्तान के हर राज्य में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज्य में G20 को सबसे ज्यादा अवसर मिले, लोगों को उस राज्य को देखने का अवसर मिले, राज्य को अपना एक्सपोजर के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा देश का हर कोना मेरे लिए देश ही है। मोदी जी, दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे। एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस सलमान जो हैंडशेक वाला जो शॉट, उसके बारे में एक। दूसरा, वेस्टर्न मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स आते थे उस वक्त कि कोई कंसेंसस होगा नहीं, डिक्लेरेशन होगा नहीं, पर हो गया डिक्लेरेशन। तो ये दो, इन दोनों चीजों की बैक स्टोरी बताइए, एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डिक्लेरेशन कैसे हुआ। एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए काम करते हैं और अपने निजी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं तो आप दुनिया को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि मुझे बताइए भाई, आखिरकार ये G8 और G20 पैदा कैसा हुआ? जिन मुद्दों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्दों से हटना नहीं चाहिए, और उसमें सब मेरे से कन्विंस हुए, सब लोग कन्विंस हुए।
कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिगत बातचीत करने की जरूरत थी, मैंने वो भी किया। कुछ शब्दों के किसी के आग्रह रहते थे, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा मेरा इरादा था कि मैं लास्ट डे लास्ट सेशन में ही नहीं करूंगा, मैं इसको इतना जल्दी करूंगा कि लोग सरप्राइज कर जाएंगे। और इसलिए मैंने दूसरे ही दिन पहले ही सत्र में डिक्लेरेशन वाला काम पूरा कर दिया। तो जो नेगेटिव अनुमानों के आधार पर सारा G20 घसीटने की कोशिश होती थी, मैं इसको किसी भी हालत में चौंका देना चाहता था। तो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी सफल हुई और मुझे खुशी है। जहां तक दुनिया के उन उन देशों को क्यों लाए साथ, कैसे लाए, देखिए सिल्क रूट की चर्चा हम बहुत समय से सुनते आए हैं। सिल्क रूट किसने बनाया, कैसे बना, कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिल्क रूट चल पड़ा और यानी इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। हम लोगों ने ये जो IMEC की दिशा में हम गए हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है और आने वाले हजारों साल उसका इम्पैक्ट, जैसा सिल्क रूट का इम्पैक्ट हजारों साल रहा, वैसा इसको इम्पैक्ट रहने वाला है। और उसमें मैं सबको विश्वास हुआ कि भाई हाँ ये तरीका है, उसमें गल्फ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था, भारत ने एक अच्छी भूमिका निभाने का भारत को अवसर मिला, US यूरोप हमारे साथ थे और सबको लगा कि एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, तो हम उसको लेकर के मिलते थे। तो उसमें स्वाभाविक था कि सऊदी किंग और प्रेसिडेंट बाइडन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मित्रता है, तो मैं किसी का भी हाथ भी पकड़ सकता हूँ, किसी की बात भी कर सकता हूँ। पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स भी आता है ना, क्योंकि देखिए आप कि अगर हम विदेश नीति की बात करें तो खाड़ी के साथ जो हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरवेंशन, आपको सम्मान भी दिया गया था वहां पर। तो चाहे ईस्ट एशिया हो या वेस्ट एशिया हो, इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आप उनके जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उनके साथ आपका वाइबिंग होता है, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और वो फिल्टर डाउन होता है, फिर कहाँ तक इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी है? मैं समझता हूँ कि इसके अलग अलग व्यू हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। एक मत स्ट्रांग है कि पर्सनालिटी कल्ट या पर्सनल रिलेशन ये बहुत ज़्यादा इन चीजों में नहीं डाले थे, एक मत है, स्ट्रांग मत है। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।